हमने बात करी थी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हमने बात करी जीरोथ लॉ, किसकी? जीरोथ लॉ, कौन सा? जीरोथ लॉ की अपन ने बात कर ली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। असलियत में मैं आपको एक सिंपल पहले समझाता हूँ, फिर उसकी बातें समझा देता हूँ। बेसिक समझे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या चीज? ऐसे नहीं कि अभी पढ़ा दूंगा उसको, फिर उसकी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सिंपल पर उसकी बेसिक बात समझ लो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एक लॉजिकल है, ध्यान समझना। मान लेते हैं कि एक कंटेनर में एक गैस है, क्या है? गैस है, और ये पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पिस्टन। मान लो आपने पिस्टन पे ऐसे फोर्स वोर्स भी लगा रखा है, जो भी आपको करना है, स्प्रिंग स्प्रिंग मार रही है, जो भी करना पड़े, ठीक है, समझने के लिए समझे। इसमें गैस है, अब क्या करो कि आप इसको हीट दो, क्या दो? हीट दो, मान लो डी क्यू, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या पिस्टन सरकेगा? प्रैक्टिकली समझो आप, मैंने बोला ये पूरा कंटेनर, प्रैक्टिकली समझो, मान लो कि एडियाबेटिक है, ठीक, सब कुछ। अब मैंने बोला मैंने हीट दी, प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा? क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा कि ये हीट गई कहां? डी क्यू दी मैंने, क्या उसकी एनर्जी बढ़ी? तो क्या पिस्टन सरका? पिस्टन सरका तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी स्प्रिंग की? वो कहां से आई? तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वो काइनेटिक एनर्जी है, तो पार्टिकल्स बढ़ी, टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो याद का प्रेशर था 1/3 रो वी स्क्वायर आरएमएस, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा मतलब पिस्टन दबा, पिस्टन दबा मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें कार्य करा किसने? पिस्टन ने, और पिस्टन पे किसने कार्य करा? पार्टिकल्स ने, टकरा टकरा के पहले से जोर से, एवरेज फोर्स याद है? भूल गए। इसका मतलब जो हीट दी उसने क्या करा, क्या उसने इसके टेम्परेचर बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी, F/2 nRT, तो फिर उसमें एनर्जी कहां से आई? तो ये भी तो एनर्जी थी, मान लो मैंने 2 जूल एनर्जी दी, तो क्या 2 जूल पूरी की पूरी टेम्परेचर बढ़ाने में चली गई, या कुछ नहीं स्प्रिंग में भी गई, पिस्टन के माध्यम से, यानी कि गैस के माध्यम से, यानी कि गैस में 2 काम हुए, यानी कि गैस में 2 काम हुए भाई, क्या 2 काम हुए? क्या उसने इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाई? और क्या एनर्जी बाहर भी ट्रांसफर कर दी? करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? तो क्या गैस ने वर्डन करा? गैस ने वर्डन, अब है एनर्जी कंजर्वेशन, ये सिंपल सिंपल ये एनर्जी कंजर्वेशन है, सॉरी, क्योंकि हम आइडियल गैस मानते हैं इसलिए कोई इंट्रैक्शन एनर्जी को काउंट नहीं करते, तो जो हीट हम देते हैं जिसे हम डी क्यू कह रहे हैं, दैट गोज इनटू टू थिंग्स, डी क्यू गोज इनटू चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, डी यू इज द चेंज इन, प्लस डी डब्ल्यू इज द वर्डन बाय द गैस ऑन द एक्सटर्नल अरेंजमेंट, ऑन द नहीं आया, ऑन द एक्सटर्नल, ऑन द एक्सटर्नल, तुम्हें बात चमकी नहीं, ध्यान से सोचो, तो कोई लॉ ऐसा नहीं कि कोई आपको समझ नहीं, इट्स सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, इट्स सिंपल, इसलिए मैं लॉ ऐसे कोई इसे लॉ नहीं समझता, मैं लॉजिकली सोचता हूं, अच्छा ये एनर्जी आई तो यहां गई तो यहां गई, बोल है कि नहीं यार, सो वॉट एवर एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी ना, हीट इज वॉट It is energy. It is a. So whatever energy is given to the system goes somewhere. In case of gas, it can go in 2 ways. One, it can increase the. नहीं आया. One, it can increase the internal energy. क्या it can do work into the external system? Yes. Into the. ये इसी को पहली बात.
इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। पहली बात, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज जीडब्ल्यू वर्डन बाई गैस वर्डन बाई अरे हाँ ना बोल यार एंड दिस इज हीट गिवन नहीं कभी कभी निकाल भी सकते कभी कभी इसलिए अच्छा सोच मैं इस विषय को फिक्स कर लेता हेलियम जब बांध देता तो गैस क्या वर्णन करती कुछ नहीं करती कहां से वर्णन करती भाई जब तो रहेंगे पिस्टन तो एक्सटर्नल सिस्टम में कहां वर्क जा रहा है तो सिर्फ ये हीट क्या करती मान लो मैं वॉल्स को एडियाबेटिक कर देता मतलब सॉरी कंडक्टिंग कर देता तो टेम्परेचर सेम रहता तो रोडल हीट का एक्सचेंज क्या ओनली टू वर्डन इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस इट डिपेंड्स ऑन ये प्रोसेस क्या चीज है आप समझे इस बात को तो लॉ समझ आया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन इज सिंपली क्या क्या है लॉ बोलो चमका इसलिए कई बार ऐसे लिख देते हैं क्यू नेट इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी समझ में आया एफ बाई टू एन आर इट्स ए स्टेट फंक्शन टेम्परेचर 300-600 कैसे हुआ कैसे हुआ उससे लेना देना 300-600 हुआ तो हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज आया बोला आया नहीं आया वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ एफ बाई टू डेल्टा प्लस वर्डन बाई गैस अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें अगर इसको असलियत में पढ़ना है तो हमें यह समझ में आना चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं क्या ये हम पढ़ चुके हैं इट्स ए स्टेट फंक्शन इट्स ए ओएमआर और सब्जेक्टिव कुछ नहीं सॉरी वर्णन बाई गैस क्या चीज कुछ नहीं मैं से बताता हूं ये ओएमआर है सब्जेक्टिव है ओएमआर में गोला भरो कैसे भी क्या प्रोसेस अपनाया कोई पूछने वाला पर वर्णन में सब्जेक्टिव है क्या प्रोसेस अपनाया मैटर अरे नहीं आया मैं गैस का टेम्परेचर 300-600 ले गया कैसे ले गया कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा बट वर्णन अलग हो सकता है दैट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन सोच अगर मैं इसे फिक्स करूं तो 300-600 करना आसान होगा पर अगर इसे फ्री छोड़ दूं तो 300-600 करने में क्या ज्यादा एनर्जी लगी नहीं आया नहीं आया नहीं आया आया नहीं आया तो दैट इज प्रोसेस तो ये ओएमआर होता है और ये सब्जेक्टिव नहीं आया तो दिस इज बेसिकली वर्डन बाई गैस क्यू नेट इसको भी अपन ऐसे समझ सकते हैं ये अपने काम की बात होगी एफ इज व्हाट क्या पहले लिखा चुका हूं सब कुछ पार्टीशन लॉ ये लॉ वो लॉ तो क्या आपको फर्स्ट लॉ समझ आया है ये दिमाग में रखना मेनली जो हमें बात पढ़नी है वो क्या पढ़नी है वर्णन बाई गैस वर्णन बाई क्योंकि वो प्रोसेस डिपेंडेंट है क्या है प्रोसेस कई प्रकार के हो सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक आइसोथर्मल साइक्लिक और भी पता नहीं कितने हो सकता है मैं ऐसा प्रोसेस लूं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे हो सकता है ऐसा प्रोसेस लूं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे हो सकता है ऐसा लूं जिसमें वॉल्यूम हो सकता है ऐसा हो जिसमें कोई कांस्टेंट ना हो कोई अलग ही प्रोसेस हो अरे हो सकता है ना कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें साला हीट ही चेंज नहीं होती हो हीट में कोई चेंज चार स्टैंडर्ड तरीके के होंगे बाकी सब कुछ भी हो सकता है रैंडमली तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं और लिख लो कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन राइट व्हाट एवर यू वॉन्ट टू राइट राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट लिख लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट और एक बात लिख लो कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस बट चेंज इन इंटरनल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर वर्णन बाय द गैस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस टेकन वर्णन बाय द गैस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस टेकन ऑन द प्रोसेस टेकन बोलो क्लियर बट इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस It is independent of process. It depends on
change in temperature. It depends on change in temperature. It depends on change in temperature. बोलो क्लियर है क्या? Yes, तो क्यूरेट इक्वल्स टू एफ बाई 280 प्लस 100 बाई गैस. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया. वाह वाह. आप सुन, मेनली हमें जिस बात पे फोकस करना है, क्या हम इंटरनल एनर्जी की चर्चा पहले ही कर चुके हैं? Yes, तो उसकी चर्चा दोबारा करने का कोई मतलब नहीं. एफ बाई टू एन आर टी, एफ बाई टू एफ हम समझते हैं, एन हम समझते हैं, आर हम समझते हैं, टी हम समझते हैं. Yes, और चर्चा करने से कोई लॉजिक भी नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस पर डिपेंड. अब हम बात करते हैं वर्डन पे. किस पे करते हैं? क्योंकि वर्डन निकालना नहीं आएगा तो फिर आपको क्यूनेट के सवाल आना पॉसिबल. तो वर्डन बाय गैस पे चर्चा करते हैं, वर्डन बाय गैस. क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो अपने आप अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस है ना. वर्डन बाय गैस अगर आप बहुत सिंपली समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मान लो ऐसे एक पिस्टन है, ऐसे एक पिस्टन है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो पिस्टन कुछ तो हमने करा, जो भी हमें करना था करा, ये पिस्टन सरक कर यहां पर आ गया, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, बोलो यस और नो? ठीक. मान लो लेंथ dx है, छोटा इसलिए मान रहा हूं ताकि आप प्रेशर को कांस्टेंट मान सको. और यार हाँ ना बोल, करता जो बोला चमका. तो dx लेंथ अगर आप यहां तक आ गए तो सोचो वर्डन क्या हुआ जो गैस ने करा. सोच के देखो, हाथ की तरह मानो गैस को, क्या हाथ फोर्स लगा रहा है? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, बोल यस और नो? इनटू डीएक्स इनटू, क्या यही वर्डन डीडब्ल्यू है जो हमने करा, बेसिकली गैस ने करा? यार हाँ ना तो बोल. प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया इनटू डीएक्स, एरिया इनटू डीएक्स इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम. ध्यान से देख, एरिया इनटू डीएक्स इज व्हाट? गलत तो नहीं बोला मैं? तो देख इसे क्या लिख सकते हैं, डीडब्ल्यू को इसे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी इनटू डीवी. तो डीडब्ल्यू बाई गैस इज बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी, प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी. अब अगर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट हो तो लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इनटू वी टू माइनस वी वन इंटू वी टू माइनस. पर अगर वेरिएबल हो, क्या हो? Variable. तो वर्डन बाई गैस क्या लिखना चाहिए? अब कैसे वेरी करेगा? इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस. इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस. इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस. तो वर्डन लिखा गया इंटीग्रल प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी का इंटीग्रेशन. वर्डन बाई गैस क्या लिखा गया? प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी का. अब प्रेशर ऑफ गैस कैसे वी के साथ वेरी कर रहा है? क्या डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? इट डिपेंड्स ऑन. इट डिपेंड्स ऑन. नहीं आया? बोलो चमका. क्या मैं जो बोला चमका? 100%. अरे सोच लो, पक्की बात? जैसे पहले से उतार लो, फिर मैं आगे आपको बात समझाता हूं. मान लो मैं आपको बोलूं कि कंटेनर है. क्या? एक कंटेनर. ठीक. ऐसे ये इसका क्या मतलब होता है? सवाल गलत है. ये हीटर है. अच्छा तुम लोग इतनी देर से परेशान थे, क्या बना रहा हूं? तुम्हें पता पड़ रहा था ये? डोंट टेल मी कि तुम्हें अभी तक पता नहीं पड़ा था ये. ये लाइनें ऐसे ही टाइम पास बनाई है मैंने. तो ऐसे मान लो, हम मान लो कि यहां पे गैस है. क्या है? बाहर का प्रेशर पी नॉट है. ये मूवेबल पिस्टन है. कैसा है? मूवेबल पिस्टन. यू नो कैसा पिस्टन? सॉरी, अरे हाँ ना तो बोलो. मूवेबल पिस्टन. बहुत बढ़िया. अब अगर ये मूवेबल पिस्टन है और ये सारी बॉल्स एडियाबेटिक है,
एडियाबेटिक का क्या मतलब होता है? एडियाबेटिक बॉल्स हैं। कैसी बॉल्स हैं? हमने हीट दू धीरे धीरे स्लोली कैसे हीट दी मैंने, क्या दी मैंने? पक्की बात मान लेते हैं, चलो सवाल ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगी बात। दो मोल गैस है मोनो एटॉमिक एट 300 केल्विन, एट 300 दो मोल गैस है मोनो एटॉमिक एट 300 केल्विन, पक्की बात हीट देंगे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा। मान लो वर्गडन बाई गैस वेन टेम्परेचर इक्वल टू 600 केल्विन, हाँ निकालो मेजर पे देख रहे हो, डनाडन चलाओ। अरे बोल भाई, टू मोल गैस मोनो एटॉमिक एट 300 केल्विन बटन बाय गैस 20 इक्वल टू 600 केल्विन, 20 इक्वल टू, पहले चीज बताओ वर्डन होता क्या है? वर्डन बाय गैस बेसिक फॉर्मूला प्रेशर ऑफ गैस इनटू डी, गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है वही, धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर चेंज पिस्टन है इधर उधर फोर्स क्या बराबर होना चाहिए, इधर का प्रेशर चेंज तो इधर का भी चेंज, क्या प्रेशर ऑफ गैस रिमेंस कांस्टेंट? जब प्रेशर ऑफ गैस रिमेंस कांस्टेंट होता है ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक, रियलिटी में आइसोबारिक प्रोसेस है ये, ध्यान से देखो तो कौन सा प्रोसेस है? तुम्हें चमका नहीं, अगर ध्यान से देखो तो इट्स कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि पी नॉट यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल यानी कि पी नॉट वी फाइनल माइनस पी नॉट वी इनिशियल, दिस कैन बी रिटन एज एनआरटी फाइनल, दिस कैन बी रिटन एज एनआरटी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, तो आंसर आया 2 × R इंटू 600 − 300, तुम्हें आया ही नहीं भाई, सन्नाटे में पहुंचे तुम लोग, अरे हाँ ना तो बोल, ध्यान से देख तो कौन सा प्रोसेस है ये यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कौन सा प्रोसेस है? इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, में मैं प्रोसेस के थ्रू ही समझाता हूं, देख आइसोबारिक प्रोसेस, इधर देख आइसोबारिक प्रोसेस, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, ऐसा कहने दो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाए, अरे ऐसा हो सकता है ना, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्णन कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देख, पी वी फाइनल माइनस कैसे लिख सकते हैं? या फिर कैसा भी लिख सकते हैं, एनआर टी फाइनल माइनस, और यू कैन से एनआर डेल्टा टी, जो गिवन हो ऐसे लिख लो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सोच। मैं तो कह रहा हूं इस सवाल में जैसे पूछ लेता, तू तो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ चुका है, मैं तेरा छोटी छोटी बात वो भी बता दे तेरा समझ आ जाएगी बात, देख इसमें हीट तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ ना बोल यार, है ना, मैं कह रहा इसमें हीट पूछ लेते जैसे कितनी हीट थी हीटर ने, अरे हीट होती है क्या होती है हीट? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू प्लस वर्ण निकाल लिया ना, अब देख ध्यान सोचो तो कैसे लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी? कब लिख सकते हैं? जब ये वाला प्रोसेस हो, कौन सा वाला? तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, कौन से प्रोसेस के लिए? घटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अरे है कि नहीं है? जब तुझे एनआर डेल्टा टी पता है तो एफ बाई टू डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक एसिड क्या होती है? तीन, क्या होती है? क्या होती है? तो आगे एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, प्राण प्रखेरू, तुम्हें नहीं आया ना, अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल और सुन,
उधार से सारी चीज समझ जाएगा, तो फॉर्मूले भी समझ जाएगा, सन्नाटे में भी पहुंच जाएगा। हाँ, यह आइसो बारिक प्रोसेस। और देख, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया। अरे कभी तो हाँ ना बोला, कोई बुराई। और देख, मान लो सन्नाटों में तुमको बोलूं कि ये पिस्टन फिक्स्ड है, क्या है वही दो मोल मोनो एटॉमिक एट 300 केल्विन से 600 केल्विन। चलो वर्णन भाई, यस बोलो वर्डन बाई गैस। अरे वर्डन बाई गैस क्यों? वॉल्यूम चेंज। ओ हो, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक का मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा है ये? आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब डीवी। वर्डन बाई गैस सन्नाटे में पहुंच गए, वर्डन बाई गैस हीट भी जीरो, हीट भी जीरो। क्या क्यूनेट इज सिंपली एफ बाई टू प्लस वन, सॉरी एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या हीट क्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? क्यू क्या क्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? यहां अलग है और यहां, क्योंकि वर्डन डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। नहीं आया क्योंकि वर्डन डिपेंड्स ऑन, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? पक्की बात कर लो। ये था कोडिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, एकदम पक्का? अरे सोच लो। चलो अब सुन, क्या कभी कभी ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो? इसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ये मेरे हिसाब से आपने गैसीय स्टेट में ही पढ़ा होगा ना? ये सब मैं जो पढ़ा रहा हूं आइसोथर्मल। आइसो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ओ हो हो, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो देख, सोच कोई गैस है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर वेरी कर रहा है, जो भी अपन जैसे भी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर है नाटी वर्डन बाई गैस। क्या चीज वर्डन बाई गैस? क्या होगा? हाँ क्या होगा? बोला प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। प्रेशर ऑफ गैस पीवी बराबर है नाटी। भाई यहां पे पीवी वेरिएबल है, और तो अगर वर्डन लाने तो आया तो वी को पी के ढंग से रखो, या फिर पी को कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा तो प्रेशर ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं? एन आर डी टी, सॉरी ये क्या होगा? एन आर टी बाई वी। क्या ये डी वी? एन कॉन्स्टेंट, आर टी। अरे यार आ रहा बोल, तो फिर क्या हुआ? एनआरटी बाहर डीवी बाई वी। मान लो हम गए टी इनिशियल से टी फाइनल, या फिर बोलो वी इनिशियल से, नहीं टी इनिशियल टी फाइनल नहीं,
टी इनिशियल से टी फाइनल या फिर बी इनिशियल से किसी भी कुछ भी गिवन हो सकता है, बोल हो सकता है नहीं हो सकता यार, जो गिवन हो वैसे करो, जो गिवन हो वैसे यार तुम्हें नहीं आया यार, है ना। और मान लो टी आपको गिवन है, जो भी आपको दिया हुआ है गिवन हुआ ही यार, ध्यान से देखो। तो लिमिट लगाई बी इनिशियल से बी फाइनल, तो क्या फॉर्मूला आया, एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए क्या लिखना चाहिए, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। ये क्यों लिखा बोलो चंपा, क्या वी फाइनल बाई वी इनिशियल इज पी इनिशियल बाई पी फाइनल? तो क्या दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन आर टी एल एन ऑफ पी इनिशियल बाई पी फाइनल। यार कभी तो हाँ ना बोल, ये गिवन तो ऐसे लिखो, ये गिवन हो तो यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, बोलो चमका, मुझे लगा तुम्हें चमका। अच्छा रुक जाओ, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, पहली बात रात को 2 बजे भी अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सुन इसमें डेल्टा यू कितना हुआ, डेल्टा यू कितना हुआ, क्यों 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 टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा भाई, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या पकड़े, दैट इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज बहुत है, अगले टाइम करते हैं। लो भाई क्या क्या काम दे दिया, बहुत सारा दे चुका हूं वैसे मैं तुम्हें। केटी जी की वो हो गई, तो बस और कोई काम हीट शीट देना वो दे सकता हूँ, हीट बंद में कुछ, हीट टू ने कुछ दिया है क्या शीट में, हीट टू में कुछ नहीं दिया अभी तक ना, हीट टू ने शीट में लिख लो अब तुम। हीट टू में शीट में लिखो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 19 तक, एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक, एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक। बोलो क्लियर है, बस इतना ही काम है, बाकी अगले टाइम पढ़ाऊंगा इसको, आगे बढ़ेंगे फिर।